अब तक सुशांत का परिवार यही कहता आ रहा था कि उन्हें सुशांत की बीमारी के बारे में पता नहीं था, लेकिन एबीपी न्यूज के पास सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले उनकी बहन प्रियंका से बातचीत का व्हाट्सएप चैट मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि परिवार को सुशांत की बीमारी का बखूबी पता था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के बड़े अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये पर्ची देख रहे हैं आप, इसमें नाम लिखा है सुशांत सिंह का। इस पर्ची पर तारीख डली है 8 जून 2020 की। ये पर्ची सुशांत सिंह राजपूत की है, उनकी मौत से ठीक 6 दिन पहले की। इसमें 3 दवाइयों का जिक्र है, पहली नेक्सिटो 5 mg, दूसरी है लिब्रियम 10 mg और तीसरी है लोनाजेब। नीचे डॉक्टर तरुण कुमार का साइन और मुहर भी लगी है। सुशांत को यह पर्ची बिना अस्पताल गए मिल गई, क्योंकि इन तीनों ही दवाइयों के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी थी, इसलिए सुशांत की बहन प्रियंका ने अपने भाई के लिए पर्ची का इंतजाम कर दिया। यानी प्रियंका को पता था कि उनके भाई सुशांत को क्या बीमारी थी। दरअसल ये पूरा खुलासा हुआ सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से। एबीपी न्यूज के पास 8 जून को हुई दोनों के बीच बातचीत की एक एक डिटेल मौजूद है। 8 जून की सुबह करीब 4:45 बजे प्रियंका और सुशांत के बीच बातचीत होती है। प्रियंका कहती है, पहले 1 हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना 1 बार नेक्सिटो 10 mg लो, लोनाजेब साथ में रखो, जब भी एंग्जाइटी अटैक आए ले लेना। सुशांत कहते हैं, ओके सोनू दी, कोई भी इन दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देगा। तो प्रियंका जवाब देती है, मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। इसके बाद प्रियंका 5:27 पर लिखती है, बाबू मुझे फोन करो, मुझे तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भेजनी है। प्रियंका आगे लिखती है, मेरी दोस्त एक जानी मानी डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर सकती है, सब कॉन्फिडेंशियल है इसलिए परेशान मत होना, बस कॉल करो। इस बातचीत के करीब 1.5 घंटे बाद प्रियंका का सुशांत सिंह के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज में एक डॉक्यूमेंट अटैचमेंट भेजी गई है, जिसके बारे में प्रियंका लिखती है, बाबू ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। सुशांत जवाब देते हैं, ओके थैंक यू सो मच सोना दी। प्रियंका ने जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भेजी ये वही है जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की थी। इनमें जिन 3 दवाइयों का जिक्र है उनमें से लिब्रियम कैप्सूल का इस्तेमाल एंग्जाइटी और शराब छुड़वाने के इलाज के लिए होता है, नेक्सिटो का इस्तेमाल डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर को सामान्य करने में होता है, वहीं लोनाजेब मिर्गी के दौरे, घबराहट और एंग्जाइटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। यानी इस चैट से साफ जाहिर है कि प्रियंका को सब कुछ पता था। सुशांत के घर वालों को एक्टर की बीमारी की डिटेल में जानकारी थी। एक्टर के परिवार ने कहा था कि रिया सुशांत को मेडिकेशन देती थी, लेकिन चैट से तो यही लग रहा है कि प्रियंका ने सुशांत को मेडिकेशन दी। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वही 8 जून की तारीख है जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई थी। सुबह 10 बजे प्रियंका और सुशांत की बात हुई थी और इसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट।